दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत और कमलेश प्रजापति के दोनों का, सुशांत सिंह राजपूत का जो भी केस है सीबीआई हैंडल कर रही है, और कमलेश प्रजापति पर जे एनकाउंटर का जो केस है सीबीआई हैंडल कर रही है। और सुशांत सिंह राजपूत का अभी डेथ हुए लगभग 1.5-2 साल पूरे होने को, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत और पूरी तरीके से यह कहा जाए कि कौन किसने मारा है, किसके कारण था, किसका हाथ था हमारे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को मारने में, अब तक सीबीआई पता नहीं कर पाई है। लगातार उसकी जांच चल रही है और ये कब तक चलेगा इसका कोई अभी ठिकाना नहीं। उसी तरीके से कमलेश प्रजापति का भी जो भी फर्जी एनकाउंटर हुआ था, उसकी भी लगातार सीबीआई जांच चल रही है, कब तक चलेगी और इसका भी निर्णय कोई आतंकवाद दिख नहीं रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, कोई भी निर्णय फाइनल आने वाला नहीं है। तो क्या कहा जाए कि सीबीआई किसमें गलती है कि दोनों के दोनों केसों में सीबीआई अभी तक पूरे तरीके से साथ जुटा पाने और लगातार गिरफ्तारी जो भी दोषी उसको करने में नाकाम साबित हो रही है। इस तरीके से एक तरह से सीबीआई की कुछ कमियां कहा जाएगा या अन्य कहा जाएगा। साथ ही इस पर आपका क्या राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।